खबर मुजफ्फरपुर से, कोरोना महामारी के बीच बाढ़ का खतरा किसी अभिशाप से कम नहीं। लगातार बारिश से नदियों के जलस्तर में काफी वृद्धि देखने को मिली है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ का प्रकोप मुजफ्फरपुर में दस्तक दे चुका है। आपको बता दें कि जिले के 3 प्रखंड बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जो कि ओराई, कटरा एवं गायघाट प्रखंड है। वहीं बाढ़ के पानी से बेनीबाद कटरा मुख्य मार्ग पर कई जगह लगभग 1 से 1.5 फीट पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। लोग पलायन होने को मजबूर हैं, लेकिन अभी तक न ही प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई पहल की गई है। बाढ़ अपना कहर बरपाना शुरू कर चुका है। वहीं लगातार बढ़ रहे पानी को लेकर गायघाट प्रखंड के बाढ़ प्रभावित पंचायतों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर रहा है। इधर कटरा प्रखंड के बरी पंचायत के लोगों ने बताया कि पंचायत में बाढ़ का पानी घुस चुका है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि के द्वारा अभी तक किसी भी तरह की राहत की पहल नहीं की गई है। लोग अपने बच्चों एवं घर के जरूरी सामान और पालतू मवेशियों के साथ ऊंची स्थान की ओर जाते हुए दिखे। आप लोग कहाँ जाइए? हम लोग भी यहाँ चौकी डाल के इस पर अपना व्यवस्था लगाएंगे। अच्छा, इसी पर रहते हैं जी? रोड पर रहते हैं, इसी सड़क पर। हाँ। यहाँ से वहाँ तक सब रोड पर। आगे की स्थिति क्या है? वो आगे तो रोड उपचल है, और जो सुधरे का लोग सब इधर आ गए, सब मतलब बाढ़ का शुरुआती दौर ऐसा है जी, तो और जब भयावह रूप हो जाएगा तो पूरा पानी रहता है। हाँ हाँ, ये उचका है, वो उचका है, सब परिवार का, पांच परिवार का खाली जान बचाता है बस। कटरा प्रखंड के बरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि ने बताया कि अभी बाढ़ को लेकर किसी तरह की कोई भी तैयारी नहीं की गई है। अभी पंचायत का बुरा स्थिति है, यहाँ चारों साइड से पानी बस्ती में प्रवेश कर चुका है। राहत को लेकर? राहत के लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। नाव ये सब प्राप्त हुआ है कुछ? नाव बहुत नगण मात्रा में दिया गया है, जो प्राइवेट नाव ही कार्य कर रहे हैं। मतलब मांग की गई है सीओ से आपकी, या जिला प्रशासन से किसी प्रकार की? सीओ साहब से मांग की गई है, जबकि ब्लॉक में नाव की व्यवस्था भी नहीं है। राहत सामग्री को लेके क्या किया जा रहा है? राहत सामग्री के लिए अभी वही अकाउंट पेमेंट जो होगा उसके लिए सूची बन के तैयार है, जो ब्लॉक में उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, मुजफ्फरपुर।